दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल स्टॉक बाज़ार पर। दोस्तों वैसे तो आज मेरी तबीयत ख़राब है, अगर आपको कुछ भी वॉइस में कुछ इश्यू हो तो प्लीज़ टेक केयर कर लेना, थोड़ा सा बीमार हुआ आज। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं, हमारी इंडियन मार्केट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आज निफ्टी बैंक निफ्टी ने कैसा बिहेव किया। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे निफ्टी देखते हैं। निफ्टी ने आज काफ़ी काफ़ी क्या कुछ मूवमेंट ही नहीं दिया। यहाँ देखिए पूरे टाइम यहाँ पे कंसोलिडेशन की रेंज में रहा है, जहाँ की मेरा खुद का एक इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ था। आज की मार्केट एक जो स्कैल्पर होते हैं उनके लिए काफ़ी सही थी, क्योंकि स्कैल्परों का काम ही क्या है, यहाँ पे जैसे बाय कर लिया, यहाँ पे इन्होंने अपनी पोजीशन क्लोज कर दी, छोटा सा मोमेंट कैप्चर करते हैं। तो यहाँ स्कैल्पिंग की जा सकती थी, लेकिन मोमेंटम ट्रेडिंग या फिर जो बड़े मूव की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं ना वो ट्रेडर, उनके लिए आज मार्केट नहीं थी, उनके स्टॉप लॉस ही हिट हुए होंगे आज और घर लॉस ही लेके गए होंगे। और यहाँ पे बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी तो आज इतनी वॉलेटाइल थी कि बहुत ज़्यादा। यहाँ देखिए आज बैंक निफ्टी में हमें कोई खास मूवमेंट क्या मतलब देखने को ही नहीं मिला मूवमेंट, बस बैंक निफ्टी में भी सेम यही हुआ था, कैपिटल सिर्फ ख़राब हो रहा था। आज की मार्केट में कंसोलिडेशन की रेंज थी, ऊपर से ऐसा हो रहा था कि कैंडल यहाँ जाती है फिर विक बन जाता है, फिर ऐसे मतलब कि काफ़ी ट्रैपी मार्केट थी आज की। आज ने जिसने पैसा बना लिया होगा तो वो अच्छा खासा ट्रेडर होगा या जो भी है इन्वेस्टर ट्रेडिंगर। तो लेकिन आज की मार्केट देखी जाए निफ्टी बैंक निफ्टी इतनी भी कोई खास न्यूट्रल मान सकते हैं आज की मार्केट। ठीक है, तो अब हम कुछ स्टॉक्स के बारे में, क्या क्या डेटा, क्या RBI किसी स्टॉक में क्या कह रही है या SEBI का क्या किसी में बयान है, तो ये सब अभी हम मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में ज़रा सर्च कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अपडेट तो रहने चाहिए सारी नॉलेज से। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे JM फाइनेंशियल से। देखिए JM फाइनेंशियल के बारे में आपको पता होगा कि इसने कल जो है लोअर सर्किट हमें दिखाया था, जब RBI का वो आया था बयान कि बैन कर रही है RBI इट फ्रॉम फाइनेंसिंग अगेंस्ट शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ठीक है, तो तब जब RBI ने इसे बैन कर दिया था कि ये फाइनेंस नहीं करेगी शेयर्स एंड अगेंस्ट शेयर्स एंड डिबेंचर्स, तो इसमें हमें 20% तक का लोअर सर्किट हमें यहाँ इस शेयर में देखने को मिल गया था, जिस वजह से ये शेयर अभी काफ़ी टूटा पड़ा था। ठीक है, लेकिन आज ये पॉजिटिव में क्लोज हुआ है शेयर, और अब अभी तक तो RBI इसके पीछे पड़ी पड़ी थी, लेकिन अब हमें इसमें SEBI आप जानते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी इसके पीछे अब पड़ चुका है। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैं आपको पूरा आर्टिकल एक बार पढ़ा देता हूँ। सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज इंडिया थर्सडे बार्ड JM फाइनेंस फ्रॉम एक्टिंग एज ए लीड मैनेजर फॉर अ पब्लिक इशू डेट सिक्योरिटीज ड्यू टू वायलेशन ऑफ रेगुलेशंस। ठीक है, तो इन्होंने बार किया है सीधा SEBI ने कि ये जो तुम पब्लिक इशू को डेब्ट सिक्योरिटी को वो कर रहे हो ना फाइनेंस, उसके लिए आप कुछ जो वॉयलेशंस है किसी रूल्स का उल्लंघन हो रहा है, जिससे जिसमें कि SEBI ने साफ साफ बोला है कि हम ऑडिट करेंगे फिर से एक बार और चेक करेंगे कि क्या क्या वायलेशन हो रहा है, क्योंकि वायलेशन तो हो रहा है किसी रूल का, तो SEBI एक बार चेक करेगी उस चीज़ को और उसके बाद कुछ रिजल्ट हमें यहाँ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी JM फाइनेंस के बारे में, काफ़ी लोग जानना चाहते थे इस शेयर के बारे में। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब इससे पहले हम आगे बढ़ें तो एक छोटी सी अपडेट आपको जाननी ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कल मार्केट में ऐसे काम करूँगा वैसे काम करूँ, तो भैया कल आपको व्रत रखना है महाशिवरात्रि का, क्योंकि कल मार्केट नहीं खुल रही है, कल मार्केट रिमेन क्लोज टुमारो 8 मार्च को शिवरात्रि की वजह से। ठीक है जी, अब हर दिन पैसा नहीं कमाना होता, कुछ भी धर्म वर्म का भी काम कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये थी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट। इंडिया और इंडोनेशिया में एक लेटेस्ट न्यूज़ अभी अभी आई है, तो मैंने सोचा इसे भी वीडियो में डाल दे, अपडेट हो जाएगी एक छोटी सी। क्या अपडेट है वो, इंडिया एंड इंडोनेशिया एग्री टू ट्रेड इन नेशनल करेंसी। तो जो इंडिया और इंडोनेशिया है ना उन्होंने वो एग्री हो गए हैं कि वो जो ट्रेड करेंगे ना कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे वो अपनी जो करेंसी होती है नेशनल करेंसी उसी पे, जैसे हमारी रुपी है और इंडोनेशिया की ए रुपा,
तो वो अब इन्हीं में ट्रेड करेंगे। ये डॉलर का डोमिनेंस धीरे धीरे यहाँ पे हम कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो रुपी है वो बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ देखिए, RBI एंड BI साइंड अ MOU टू BI। जैसे RBI हमारी बैंकिंग की गवर्निंग बॉडी है ना, ऐसे इंडोनेशिया की ये वाली है, साइन अ MOU टू प्रमोट द यूज़ ऑफ लोकल करेंसी। ठीक है, इन्होंने MOU साइन कर लिया जिससे कि जो लोकल करेंसी का जो यूज़ है ना, वो हमें प्रमोट होता हुआ देखने को मिल जाता है। द MOU एम्स टू एनकरेज द यूज़ ऑफ INR IDR इन बायलेटरल ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो ये एनकरेज कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ INR IDR का हो, लोकल करेंसी यूज़ हो हमारे जो ट्रेड्स होते हैं उसमें। ठीक है, ये थी एकदम लेटेस्ट ये वाली न्यूज़ तो मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब एक और जो कि अब एक और डेटा के बारे में देख लेते हैं। तो हर सरकार के ऊपर एक क्वेश्चन रहता है कि आपने अनएम्प्लॉयमेंट कर रखी है, तो ये क्वेश्चन आता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो आप अपडेट रहें। देखिए, जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला डेटा है वो गेटिंग बेटर। ठीक है, यहाँ देखिए, इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट टिप्स। जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट था ना, बढ़ता जा रहा था कि लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, क्या मतलब नौकरी नहीं मिल पा रही, तो उनका जो डेटा है 3.1 हो गया है। कितने से, 3.3 पॉइंट, यहाँ जो 6 था पहले 2022 में, और यहाँ 2023 में 31 हो गया, 3.1 हो गया है। तो ये लोएस्ट है 3 साल का, जिससे पता लगता है कि मोदी गवर्नमेंट कुछ तो काम कर रही है। ठीक है, अब चलते हैं, हमारी एक फाइनल न्यूज़ है जो कि मैं कवर नहीं कर पाया था इसके बारे में। यहाँ देखिए, बिटकॉइन के बारे में हम बात करेंगे। तो ऐसा क्या है कि बिटकॉइन जो है हायर हाई बनाता जा रहा है, काफ़ी 2 साल बाद ये एक्टिव हुआ, 2 साल से एकदम नीचे ही था मार्केट में, 13-14-15 लाख तक का इसने जो है कि हाई नहीं लो बनाया था। तो क्या रीजंस हैं जो इसने फिर से ऑल टाइम हाई मार दिया? ठीक है, तो देखिए, 4 मार्च को इसने अपना जो ऑल टाइम हाई था उसका प्राइस क्रॉस कर दिया था, विच इज़ एन इंक्रीज ऑफ ऑलमोस्ट 200% फ्रॉम अ ईयर अगो। ठीक है, 200% तक के इसने रिटर्न दिए हैं 1 साल में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बिटकॉइन की जर्नी ऑल टाइम हाई की, क्या क्या फैक्टर रहे जिस वजह से हमें ये बढ़ता हुआ देखने को मिल गया। ठीक है जी, तो हमारा जो पहला फैक्टर हो जाता है, इंक्रीजिंग एक्सेप्टेंस बाय लार्ज कॉरपोरेशन एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो पहले जो कॉरपोरेशंस थे ना, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, वो इस पे इतना भरोसा नहीं करते थे, तो उनका इस पे भरोसा बढ़ा, जिसकी वजह से उन्होंने पैसा इतना डाला है इसमें, जिसकी वजह से हमें इसके जो प्राइसेस हैं ऊपर जाते हुए देखने को मिल जाते हैं। इट्स लिमिटेड सप्लाई अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ ग्रोइंग डिमांड। देखिए, इसकी जो सप्लाई है ना, फिलहाल तो लिमिटेड है, लिमिटेड तो इसकी सप्लाई है, और लेकिन जो डिमांड आई इसकी अब बहुत ज़्यादा है। जो आजकल के बच्चे हैं 10वीं 12वीं पास, क्रिप्टो क्रिप्टो चिल्ला रहे हैं, तो इस और भी मतलब यूज़ काफ़ी यूज़ नहीं, डिमांड इसकी बहुत बढ़ चुकी है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें इसमें और ग्रोथ देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो एडवांसमेंट हुआ है ब्लॉकचेन में, जो ब्लॉकचेन पे बेस्ड है उसकी टेक्नोलॉजी में इन्हेंस हुआ है, जिससे कि एफिशिएंसी एंड सिक्योरिटी बढ़ जाए इसकी, जिसकी वजह से एक भरोसा भी आता है इन्वेस्टर को। ठीक है, और यहाँ पे फोमोस आपको पता ही होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट क्या होता है आपको पता ही होगा, जो ट्रेडर वेडर लोग हैं उनको पता होता है, जैसे कि कोई ट्रेड मिस ना हो जाए, इस चक्कर में हम उसमें बैठ जाते हैं जबकि वो ट्रेड बनी भी नहीं थी, तो हमें लगता है बस ये मिस ना हो जाए ये ट्रेड, इतनी अच्छी ट्रेड, तो उसी को फोमो कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, आज के लिए यही डाटा था जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अब दोस्तों नमस्कार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। धन्यवाद।